गाइस आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। अभी के बज रहे हैं 8 और आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो अब हम चलकर दिखाते हैं आप लोगों को कि आज हम कौन सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो आज हम बताते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। तो ये है सेमे और आलू, तो ये मैंने कट कर लिया है। और इसमें एक टमाटर भी देख सकते हैं आप लोग, उसमें टमाटर भी डालूंगी। अब दूसरी तरफ चलती हूँ। इसका ये है मसाला, देख सकते हैं आप लोग गाइस इसमें क्या क्या है। हरा धनिया, खड़ी मिर्ची, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स है। और तीसरी तरफ चलते हैं हम, इसमें दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये है पेस्ट, तो किस चीज़ का पेस्ट है ये भी दिखा देते हैं हम आप लोगों को। तो इसमें क्या क्या ऐड है, इसमें है एक प्याज और लहसुन और अदरक का छोटा सा पीस। तो ये तीनों चीज़ें इसमें मिक्स है। तो ये इसका बैटर है। तो सबसे पहले मैं इसमें ले लिया मैंने कढ़ाई में ऑयल। तो मेरा कौन सा ऑयल है, ये है सरसों का ऑयल। तो ये घर का नहीं है, ये मार्केट का है। और चलो इसको हम लेकर चलते हैं। फिर डालेंगे हम जीरे। तो हम कोई गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे। चलो हम चलते हैं। इस बाबू को देखो कितनी नोज, इसके नोज बहुत, देखो कितनी नोज आ रही। देखो देखो वो चाटे ले रही। चलो हम इसको जलाते हैं। तो हम इसको ऑन कर दी है, इस पर रखते हैं हम कढ़ाई। तो इसको अभी थोड़ा गर्म हो जाएगा ऑयल, उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें जीरा वगैरह। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा ऑयल होने में गर्म। तो चलो जब तक हम थोड़ा बाबू से मिलवा देते, जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, वैसे जल्दी हो जाए क्योंकि ये पतली है। चलो लो हो ही चुका है, मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अब हम इसमें डालते हैं। तो ये जल्दी हो गई है, इसको हम स्लो कर देते हैं, नहीं तो जल जाएगा ऑयल। तो इसमें हमने डाला सबसे पहले जीरे। तो देख सकते हैं आप लोग गाइस, तो हमने इसमें डाला जीरे। तो अच्छे से अभी फ्राई होंगे, क्योंकि अभी फ्राई नहीं हुए। तो चलो हम चलते हैं चमचा लेने के लिए, चम्मच लेने के लिए। तो अब हम इसको भी साथ में ले चलते हैं, क्योंकि इसको भी हमें इसमें हम क्या लेंगे, ये वाली छरिया। और साथ में ले चलते हैं पेस्ट। तो देख सकते हैं आप लोग बाबू, देखो इसमें देखो बना है, इसमें क्या क्या बना है, इसमें सारी सब्जी वगैरह बनी हुई है। तो इसको देख देख के बाबू देख रहा है, देख देख के आहे भर रहा है बाबू। तो देखो अच्छे से फ्राई हो चुका है जीरो, यानी जीरे, जीरो नहीं जीरे। तो देखिएगा ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो हम चलते हैं, इसको डाल देते हैं। देखिएगा मैंने डाल दिया है। इसको मैंने डाल दिया है और मैं, तो आप लोग देख सकते हो कटोरी में कैसी जम गई का है ये पेस्ट वगैरह। देखो बिल्कुल हलवा की तरह। बाबू दूर रहो, दूर रहो। अब जब अच्छे से ये फ्राई हो जाएगी, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम मसाला। इसको हम अभी इतना फ्राई करेंगे जब तक इसमें अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाए, तब तक इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद ही हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो अभी ये नहीं हुई है, अभी और भी ज़्यादा करेंगे हम। देख सकते हैं आप लोग गाइस, इसको चलाते रहिएगा नहीं तो वरना ये चिपक जाएगी। इसको हमें छोड़ना नहीं है, इसको चलाते रहना है।
अगर जैसे ही छोड़ दिया तो ये चिपक जाएगी उसमें, सब्जी का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो चलो हम इसको स्लो कर देते हैं, क्योंकि लो थी, अब हम चलते हैं मसाला लेने के लिए। जब तक ये अच्छे से फ्राई हो रही है, तो देखो गाइस हम आ चुके हैं मसाला लेने के लिए। तो हम साथ में जग भी ले चलते हैं, क्योंकि इसमें पानी, क्योंकि हमें पानी की सख्त ज़रूरत पड़ेगी, मसाले के साथ में थोड़ा ऐड करना पड़ता है। तो देखो हम आ चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। देखिएगा हम आप लोगों को और पास से दिखाते हैं। चलो तो अच्छे से हो चुका, तो हम डालते हैं इसमें, करेंगे मसाला ऐड। अरे यार हम चम्मच तो लाए ही नहीं है। चलिए तो हम ऐसे ही डाल देते हैं, जितना डल सके बिना चम्मच की सहायता से, तो हमको ऐसे ही डालना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने ऐसे ही थोड़ा सा ऐड कर दिया है। अब मैं अभी डालूंगी, तो इसमें मैं पानी ऐड करती हूँ, क्योंकि इसमें चिपका हुआ है, क्योंकि जी जितना पतला हुआ उतने अच्छे से इसमें मैस हो जाएगा। हम चम्मच तो लिए नहीं, तो फिंगर की सहायता से ही हम इसको साइड साइड में से जो लगा हुआ है वो निकाल के एक सा कर लेते हैं, तो ये पतला हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा हमें। तो देखिएगा इस तरीके से मैंने पूरा ऐड कर दिया है, तो अभी थोड़ा और लगा हुआ है, तो हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। तो देखिएगा हम करते हैं स्लो, क्योंकि मैंने लो कर दी थी। देखिएगा आप लोग देख सकते हैं, जब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसमें मैं करूँगी ऐड एक टमाटर और इसमें डालूँगी थोड़ा सा पनीर मसाला। पनीर मसाला क्यों डालेंगे हम इसमें, क्योंकि उससे ना, जैसे कि टमाटर अभी इसमें विदेशी टमाटर तो नहीं आ रहे हैं, तो अभी ये तो ऐसे ही टमाटर आ रहे हैं देसी, तो ये ना इसमें खट्टापन नहीं होता, इसलिए पनीर मसाला हम डालेंगे तो सब्ज़ी में थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा, तो टेस्टी लगती है सब्ज़ी, इसलिए कोई मसाला ऐड नहीं, खाली पनीर मसाला डालना है। अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है हमारा मसाला, डैडी से दे दो, वो दी मैं ले लें, मम्मा काम कर रही। इधर है डैडी यार रूम में। चलो तो फिर हम चलते हैं, इसमें यार पतली है तो जल्दी जल्दी तो मसाले लेने के लिए चलते हैं गाइस। तो कहाँ है हमारे मसाले, तो ये रहे हमारे मसाले। तो देखिएगा ये रहा गोल्डी पनीर मसाला, और ये रहा गोल्डी मसाला यानी गरम मसाला, इसमें सारी चीज़ें ऐड है। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो बना हुआ है उसमें सारी चीज़ें ही ऐड है, तो इसको नहीं डालेंगे हम, इसको डालेंगे। तो देखिएगा हमने डाल दिया, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही ऐड करना है।
इसको हम अच्छे से चला लेते हैं एक बार, क्योंकि हमने मसाला ऐड किया है। ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। हम अपने बाबू को दिखाते, देखिएगा आप लोग देख सकते हैं बाबू रूम में क्या कर रहा है। देख बाबू, बाबू चला गया वहाँ से। देखिएगा इसमें कितना अच्छा अभी ये अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है। अभी हमें इतना भूनना है कि जब तक इसमें एकदम रेड कलर ना आ जाए, जब तक हमें इसको फ्राई करना है। चलो जब तक हम ये मसाले रख कर आते हैं, जब तक वो फ्राई हो रहा है। तो हम यहाँ रख देंगे, नहीं तो मेरा बाबू है ना क्या है उठा के वो ये समझेगा कि ये इसमें खाने की चीज़ है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को तो कुछ भी चीज़ बस खाने की ही लगती है, चाहे भले ही वो खाने की ना हो वो चीज़। तो देखो गाइस, अब मैंने ले लिया है इसमें एक टमाटर, तो मेरे पास ज़्यादा टमाटर नहीं थे तो मैं इसमें एक ही ऐड कर रही हूँ टमाटर। तो ये पता है ये है, ये ना सलाद वाली टमाटर है। तो आप लोग